सुनजुंग की के तो हम सब बहुत बड़े फैन हैं, लेकिन क्या आपको उनकी पब्लिश की गई बुक के बारे में पता है? वेल, इस वीडियो में हम आपको उनसे जुड़े कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो शायद ही आपको मालूम हो। नंबर वन, सुनजुंग की का जन्म सितंबर 1995 को साउथ कोरिया के डेजू शहर में हुआ था। डेजू शहर को लोग अक्सर एशिया का सिलिकॉन वैली भी बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे साइंस और टेक्नोलॉजी फैसिलिटीज हैं। नंबर टू, अपने स्कूल के दिनों में वो एक बहुत अच्छे शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटर थे। उन्होंने कई बार नेशनल लेवल पे अपने होम सिटी को रिप्रेजेंट भी किया है, लेकिन हाई स्कूल के फर्स्ट ईयर में एक इंजरी के कारण उनको फोर्सफुली स्पोर्ट्स से गिव अप करना पड़ा। उनका स्केटिंग का टैलेंट हमें ट्रिपल नाम के कोरियन सीरीज में भी देखने मिलता है। नंबर थ्री, वो अपने स्कूल के दिनों से ही पढ़ाई में बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे। नेशनल कॉलेज एंट्रेंस टेस्ट में उन्होंने 400 में से 380 स्कोर किया था, जिसकी बदौलत उनको सोंगखिंगवा यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया और उन्होंने वहाँ से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मेजर डिग्री हासिल किया। नंबर फोर, जब वो एक दिन सबवे गए थे तो उनको एक एजेंट ने नोटिस किया और उनको एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जाने का सलाह दिया। स्टार्टिंग में तो उनके पापा इसके साथ खिलाफ थे और इसीलिए सुनजुंग अपने पढ़ाई के साथ साथ एक्टिंग क्लासेस भी करते थे। नंबर फाइव, रनिंग नाम का वैरायटी शो से उनको पॉपुलैरिटी मिलना शुरू हुआ। एपिसोड 1 में उन्होंने अपना डेब्यू किया था और एपिसोड 41 तक वो उस शो का हिस्सा थे। नंबर सिक्स, 2012 का हिस्टोरिकल ड्रामा सोंगखिंगवा स्कैंडल से सुनजुंग को अपना पहला एक्टिंग ब्रेक थ्रू मिला। ड्रामा में उन्होंने गो युंग हा का कैरेक्टर किया था, जिसको लोगों ने बहुत ही ज़्यादा प्यार दिया और ड्रामा में उनका ब्रोमेंस लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। नंबर सेवन, वो कोरियन और इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत ही ज़्यादा फ्लुएंट हैं और उनको थोड़ा बहुत चाइनीज बोलना भी आता है। नंबर एट, 2012 में उन्होंने वेरवुड बॉय नाम का एक फैंटेसी रोमकॉम मूवी किया था, जो कि वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रॉसिंग कोरियन मेलोड्रामा फिल्म है। उस मूवी को बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में स्क्रीन किया गया था और मूवी ने लगभग 70 लाख से भी ज़्यादा का टिकट सेल किया था। नंबर नाइन, उसी साल उनको अपना पहला मेल लीड रोल ड्रामा मिला, जिसका नाम है द इनोसेंट मैन। उस ड्रामा के लिए उनको अपना पहला के ड्रामा स्टार अवार्ड और 2012 KBS ड्रामा अवार्ड भी मिला था। नंबर 10, अगस्त 2013 को उन्होंने अपना मैंडेटरी मिलिट्री सर्विस शुरू किया और मई 2015 को उनको मिलिट्री से डिस्चार्ज कर दिया गया। उनका डिसिप्लिन मिलिट्री सर्विस को लोग आज भी बहुत ही ज़्यादा एडमायर करते हैं। नंबर 11, मिलिट्री से आने के बाद उन्होंने ब्लॉकबस्टर ड्रामा डिसेंडेंट ऑफ द सन में कैप्टन युशीजिन का रोल किया, इसको बहुत ही ज़्यादा प्यार मिला। नंबर 12, डिसेंडेंट ऑफ द सन ड्रामा की वजह से उनको बहुत सारे अवार्ड और वर्ल्ड वाइड रिकॉग्निशन मिला। ड्रामा का पीक व्यूअरशिप था 41% और ड्रामा को लगभग 2.5 बिलियन से ज़्यादा टाइम्स लोगों ने देखा है। नंबर 13, उनकी हॉबीज़ की बात करें तो उनको बुक्स रीडिंग और सॉकर खेलना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। उनको हिस्ट्री में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट है और इसलिए वो ज़्यादातर हिस्ट्री के बुक पढ़ते रहते हैं। नंबर 14, उनको कई बार फोर्स पावर सेलिब्रिटी के लिस्ट में नॉमिनेशन किया गया और 2017 में उनको सेकंड रैंक मिला, जहां रैंक 1 था पार्क बो-गम का। नंबर 15, सुनजुंग की का एक बड़ा भाई और एक छोटी बहन भी है। उनका बड़ा भाई का नाम है सोंगसुंग जी और उनकी छोटी बहन का नाम है सोंगस्योल जी। नंबर 16, उन्होंने ब्यूटीफुल स्किन प्रोजेक्ट नाम का एक बुक भी पब्लिश किया है, जो कि वन ऑफ द बेस्ट बुक सेलर है। उस बुक में आपको मेन स्किन केयर के बारे में पता चलता है। नंबर 17, उन्होंने अक्टूबर 31, 2017 को एक्ट्रेस सॉन्ग की उसे शादी की थी, लेकिन कुछ पर्सनल रीजन की वजह से 2019 में उनका डिवोर्स हो गया था। नंबर 18, उनका फेवरेट फूड है चिकन और बहुत सारे इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि वो फ्राइड चिकन को कहीं भी और कभी भी खा सकते हैं। नंबर 19, एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि अगर वो एक्टर नहीं होते तो शायद एक डिप्लोमेट होते। नंबर 20, साउथ कोरिया में लोग सुनजुंग की को फ्लावर बॉय भी बोलते हैं, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा डेलिकेट और हैंडसम है। नंबर 21, उनका एक ऑफिशियल फैन क्लब है जिसका नाम है की LI। इस नाम के पीछे भी एक डीप मीनिंग है, जहाँ की नाम आया है सुनजुंग की से और LI का मतलब होता है विंग्स, और इसलिए इस क्लब का मतलब होता है सुनजुंग की के विंग्स। नंबर 22, उनको मूवीज और सीरीज देखना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है और उनका फेवरेट मूवी है फॉरेस्ट गम। नंबर 23, उन्होंने साउथ कोरिया के गेम ऑफ थ्रोन्स का एडॉप्टेशन एथिडल क्रॉनिकल में लीड रोल का रोल किया है। उस शो के लिए उन्होंने बहुत ही ज़्यादा हार्श ट्रेनिंग भी किया था। नंबर 24, उनको जानवरों से बहुत ही ज़्यादा प्यार है और उनका एक पेट डॉग है जिसका नाम है नाला। उनका एनिमल के प्रति लव और अफेक्शन हमें सोशल मीडिया के पोस्ट में भी देखने मिलता है। नंबर 25, सुनजुंग की के लाइफ का एक मोटो है कार्पे डीएम, इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन करें तो होता है सीज द डे। इसका बेसिकली मतलब मुझे जहाँ तक समझ आया वो है लिव ईच मोमेंट टू द फुलेस्ट। सुनजुंग की ने जनवरी 2023 को ब्रिटिश एक्ट्रेस केटी लुईस सैंडर्स से शादी की और फिलहाल उनका एक बेबी बॉय भी है और ये तीनों खुशी खुशी सियोल में रहते हैं। सुनजुंग की ने अपने करियर में बहुत सारे मूवीज और कोरियन ड्रामा किया है, उनमें से आपका फेवरेट कौन सा है हमें कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव ए नाइस डे।